हम सबके घरों में, खासकर रसोई में इतना कुछ होता है, हम लोग खाने में अपने प्रयोग करते हैं और उससे हमारी सेहत होती है, बच्चों की सेहत होती है। उसी में से एक है चाय, चाय की पत्ती। चाय हम लोग पीते हैं और वो चाय की पत्ती जो हम डस्टबिन में डाल दिया करते हैं, हमारे किचन गार्डन के लिए, पौधे के लिए, गमले में लगाने के लिए बहुत ही फायदेमंद। इसमें टैनिक एसिड और नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में होता है, जिससे पौधे का ओवरऑल ग्रोथ और रूट स्ट्रक्चर मजबूत होता है। फ्लावरिंग और फ्रूटिंग वाले प्लांट्स में तो बहुत ही फायदा करता है। हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि इनको आप डस्टबिन में ना डालें, इससे एक अच्छा सा फर्टिलाइजर बनाएं और हम आपको बताएंगे कि कैसे बनाएं और इसका प्रयोग करें अपने किचन गार्डन में, अपने गार्डन पॉट में और उसका फायदा उठाएं। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। आज हम बात करेंगे चाय पत्ती जो हमारे प्रयोग में आती है, उसके बाद जो निकलती है उसका हम फर्टिलाइजर बनाएं। हमारे घरों में अगर ग्रीन टी यूज़ होती है या ब्लैक टी यूज़ होती है, दोनों अलग हैं। जैसा मैंने बताया, इसमें टैनिक एसिड और पोटास प्रचुर मात्रा में होता है, बाकी और भी इसमें कंटेंट्स होते हैं जो प्लांट्स के लिए भी आवश्यक हैं। मुख्यतः हमारे घरों में काली चाय ही प्रयोग होती है और ज़्यादातर घरों में काली चाय को उबाल के, दूध, चीनी सब उबाल के ही हम लोग प्रयोग करते हैं। तो वो बची हुई चाय पत्ती को डायरेक्ट हमने किसी भी प्लांट में नहीं डालना है, थोड़ा सा उसके साथ हम प्रोसेस करेंगे। ये बातें, ये तरीका हम आपसे शेयर करेंगे। हमने किचन में जो हमारी घर में चाय पत्ती बची थी, ये चाय पत्ती जो निकली है ये लिया है, मैं इसका फर्टिलाइजर बनाना शुरू करता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इसको साफ़ करते हैं, धोते हैं, क्या करते हैं, उसके बाद में क्या डालने का तरीका है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। चाय पत्ती जो हम अपने किचन से लाए हैं उसको हम इस तरीके से बहुत साफ करेंगे, थोड़ा थोड़ा लेकर के। अगर बड़ा स्ट्रेनर हो तो ज़्यादा ले सकते हैं। और देखिए, इसमें से जो शुगर कंटेंट है अभी भी निकल रहा है और इसमें दूध होता है वो भी निकल रहा है, तो इन सब चीज़ों को निकालना ज़रूरी है। जब ये पानी साफ़ हो जाता है तो आप मान के चलें कि इसमें से शुगर कंटेंट और चाय पत्ती की जो अदरक वगैरह या कुछ और आपने मिलाया है वो सारा निकल गया। देखिए, अब ये पानी साफ़ हो गया। तो इस तरीके से करके अब मैं इस चाय पत्ती को इसमें अच्छी तरह से ये निकाल लूँगा और भी बची हुई सारी चाय पत्ती को हम इसी तरह छान लेते हैं। मैंने इस तरीके से सारी चाय पत्ती को धो लिया है, 3 बार 4 बार 5 बार पानी में आप धोइए चाय पत्ती को। उसके बाद इसे कड़ी धूप में 1-2 दिनों के लिए सुखा लीजिए। अगर आपके इलाके में कड़ी धूप ना होती हो तो माइक्रोवेवन में इसे सुखा लीजिए। और सूखने के बाद देखिए, मैंने सुखा लिया था, ये चाय पत्ती की खाद बन के तैयार है। हमारे रसोई से जो चाय पत्ती निकली थी उसका इस तरीके से मैंने खाद बना लिया है, आपके साथ शेयर किया है। इस खाद को प्रयोग करने के लिए किसी भी 10-12 इंच के गमले में चाय की चम्मच से, बड़े चम्मच से नहीं, चाय के चम्मच से 1 चम्मच मिट्टी की गुड़ाई करके और जड़ों के बिल्कुल नज़दीक न डालें, थोड़ी जड़ों से दूर 1 चम्मच को आप इस तरीके से मिट्टी की गुड़ाई करके डाल दें, मिट्टी से फिर ढक दें और फिर हल्का हल्का वाटरिंग कर दें। दूसरा तरीका, 1 चम्मच इस खाद को आप 1 लीटर पानी में रात में भिंगो दें और दूसरे दिन शाम में इस पानी को आप फिर इसका इसमें से 200 ml 800 ml पानी में मिलाएं और उसको इनकी पत्तियों पर छिड़काव करें, पौधे की पत्तियों पर और आगे पीछे दोनों, और फिर उसके नीचे भी छिड़काव करते जाएं जड़ों तक, बाकी जो बचे उसको जड़ों में डाल दें। ये प्रयोग भी बहुत फायदेमंद है, बहुत कारगर है। जब इसको आप छिड़काव करने के लिए लेते हैं तो फिर जब इसको पानी में भिंगो लिया तो छान लीजिए, ताकि आपके फिर जो स्प्रेयर है उसके नोजल में इसकी पत्ती ना फंसे और आपने इसके ऊपर छिड़काव कर दिया। ये फायदा उतना ही करेगा और इसकी रिपीट फिर 45 दिनों के बाद आप करें। तो ये था चाय पत्ती जो वेस्ट बची है उसका खाद बनाया, 2 तरीके से हमने पौधों पर प्रयोग किया और इसका रिजल्ट फिर आप 45 दिनों के बाद जब आप डालेंगे तो देखेंगे। इसको किसी भी आप गुलाब पर, आप किसी भी टमाटर पे,
आप गुड़हल में, आप इसे गेंदा, चमेली वगैरह में डाल सकते हैं नवंबर से लेकर के और फिर फरवरी तक इसको ना डालें आप, क्योंकि नवंबर से फरवरी तक सर्दी के मौसम में लगभग सभी प्लांट डॉर्मेसी में होते हैं, उस समय इनकी बढ़त लगभग कम हो जाती है, तो उसमें खाद कम डाला जाता है उस पीरियड में। ये बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं लाना है प्लांट में, जो हम इसके सॉलिड फर्टिलाइज़र बनाएंगे उसको कम से कम 45 दिनों के बाद पौधे में डालें। क्यों? क्योंकि इसको मिट्टी के साथ डिकम्पोस्ट होने में समय लगता है, तो इतनी जल्दी जल्दी अगर डालेंगे हम 45 दिनों से कम में, पौधे को नुकसान भी कर सकता है। आपको मैंने इससे पहले मैंने प्याज के छिलकों से खाद बनाने का तरीका बताया, लिक्विड फर्टिलाइज़र, केले के छिलके का सूखा फर्टिलाइज़र मैंने आपको बना के दिखाया था, नीम की पत्तियों से लिक्विड कीटनाशक बना करके भी मैंने आपको दिखाया था, मैंने लहसुन के छिलकों से भी मैंने फर्टिलाइज़र लिक्विड बनाना बताया और इनके फ़ायदे भी बताए हैं, गुण भी बताए हैं। अगर आप मेरे इस वीडियो को देखने से वंचित रह गए हैं तो मैं उसका लिंक नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कृपया अवश्य देखें। आशा है कि आज ये मेरा वीडियो चाय पत्ती से दो तरह के फर्टिलाइज़र बनाने का जो मैंने आपके साथ शेयर किया आपको ज़रूर पसंद आया होगा, आपके फ़ायदे का होगा। अगर ऐसा है तो अपने मिलने जुलने वालों के पास, जो पौधे के प्रेमी हैं जिनके घर में किचन गार्डन है और कुछ प्लांट लगाते हैं, उनके पास ये फॉरवर्ड अवश्य करें, बेल आइकन को दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लिखिए मेरे कमेंट बॉक्स में अगर इसके संबंधित या अथवा कोई भी और प्लांट से रिलेटेड कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं तो मैं प्रयास करूँगा आपके क्वेश्चन का जवाब देने का। धन्यवाद मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहने के लिए। बहुत जल्दी मिलते हैं हम इसी तरह का अंडे के छिलके का फर्टिलाइज़र बनाने का तरीका लेकर के।